गाइस, इस महीने हमें WWE क्राउन ज्वेल इवेंट देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए मंच सजाया गया है। और इसमें सबसे बड़ा मैच WWE यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर का होने वाला है। और अब पॉल हेमन ने रोमन रेंस का साथ देना शुरू किया है और लेसनर की जो है वापसी हो चुकी है। ऐसे में हर फैन के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि क्या पॉल हेमन WWE में रोमन रेंस को धोखा देंगे या नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं और इसके बारे में मैं आपको पांच चीज़ें बताऊंगा जो शायद इस पेपी में हमें होती हुई पॉल हेमन के द्वारा दिखाई दे सकती है। तो नंबर 5 से शुरुआत करते हैं कि क्राउन ज्वेल में ब्लड लाइन की तरफ से जो है वफादारी करेंगे उसो भाई। WWE में अगस्त 2020 से पॉल हेमन का साथ जब से रोमन रेंस को मिला है, उनका करियर बहुत ही बेहतर हो चुका है। और अब रोमन रेंस के साथ उनके भाई भी जो है यानी कि ब्लड लाइन टीम बन चुकी है, जिसमें स्मैकडाउन के अंदर धमाल मचा रखा है। और अब पेपीवी में रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर का मैच होने वाला है, जिसमें हेमन अपनी वफादारी को साबित कर सकते हैं। पॉल हेमन ने लंबे वक्त लेसनर के साथ जो है बिताया है और उनका सारी ताकत और कमजोरी पता है। ऐसे में रोमन रेंस का साथ देकर वो जो है लेसनर को हरा सकते हैं और रोमन रेंस का जो है भरोसा फिर से जीत सकते हैं। नंबर 4 की बात करें तो पॉल हेमन शायद रोमन रेंस के मैच में ना आए। पॉल हेमन ने साफ किया था कि वो ब्रोक लेसनर की वापसी में उनका कोई हाथ नहीं है और ना ही उन्होंने लेसनर को फ्री एजेंट बनाया है। पिछले कुछ वक्त से हेमन पर शक की निगाहों से रोमन रेंस देख रहे हैं। हालांकि पॉल हेमन ने बताया कि वो सिर्फ रोमन रेंस के साथ है, ऐसे में ब्रोक लेसनर और रोमन रेंस के मैच से वो खुद को बाहर रख सकते हैं, जिससे रोमन रेंस का शक दूर हो जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि पॉल हेमन अगर रिंग साइड नहीं आए तो मैच जो है रोमांचक भी कम लग सकता है। पॉल हेमन को रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर दोनों ही कमजोरियां अच्छे से पता है। नंबर 2 कि रोमन रेंस के लिए नकली प्लान बना सकते हैं। पॉल हेमन ने बहुत सारे रेसलर WWE को दिया है, लेकिन कई सुपरस्टार को धोखा भी मिला है। पॉल हेमन ने ब्रोक लेसनर को भी दाग दी है कि जब साल 2002 में बिग शो के साथ फ्यूड में हेमन ने लेसनर को अकेला छोड़ दिया था, हो सकता है कि रोमन रेंस के साथ भी कुछ ऐसा नजर देखने को मिले। पॉल हेमन अपने प्लान से रोमन रेंस का मन बदल सकते हैं और उसोस को मैच में बैकस्टेज रहने का बोल सकते हैं, जिससे हेमन का अपना प्लान कामयाब करने का वक्त मिल सके। नंबर 1, ब्रोक लेसनर के प्रति वफादारी। क्राउन ज्वेल में पॉल हेमन अब तक का सबसे बड़ा धोखा दे सकते हैं। अभी तक पॉल हेमन सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो रोमन रेंस के साथ हैं, लेकिन पीपीवी में ब्रोक लेसनर और पॉल हेमन की जोड़ी फिर से दिख सकती है और रोमन रेंस को धोखा मिल सकता है। माना जा रहा है कि रोमन रेंस को हराने में ब्रोक लेसनर की मदद पॉल हेमन कर सकते हैं और ब्लड लाइन को घुटने पर ला सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो WWE का सबसे बड़ा पल और मूवमेंट ये बन सकता है। तो बस आपको क्या लगता है यार, आप भी कमेंट करके जरूर बताओ, अपनी अपनी राय देना जरूरी है। जैसा मेरे को लगता है मैंने बताया और ये कुछ स्पॉइलर भी है जो कि सच हो सकते हैं। तो देखा जाएगा क्राउन ज्वेल के अंदर क्या हमें होता हुआ देख सकता है, कुछ नहीं कह सकते कि भाई क्या होगा। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो घंटी है उसे ऑल पे सेट कर दो ताकि आने वाली वीडियो को आपको अपडेट मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।